सही है। तो माशाल्लाह आज रात जो है ना अल्लाह पाक की रहमत हो गई थी, ठीक है, बारिश आ गई थी दिन को। तो अभी सुबह सुबह उठे है ना, देखा है तो बारिश आई हुई थी, क्योंकि रात को पता तो था बारिश आई है, इसलिए सब ने अपनी चीज़ें वगैरह उठा ली थी। मेरे बेटे को ना जुकाम हो गया है, ठीक है, खांसी हो गई है और जुकाम हो गया है, तो आज इसका ना लेनी है दवाई, ठीक है, दवाई खांसी वाला शरबत लेके आऊंगा। हाँ, खांसी वाला वो शरबत जो होता है ना वो लेके आऊंगा। धो लो, मैंने धो लिया है, मेरे सुबह मैं उसके धो लिया था, तो दोबारा धो लो, फिर क्या होता है, साफ हो जाएगा, इधर दे दे, मैं धो लूंगी, चिट्टी हो जाओगी दोबारा धोने से। कढ़ाई के ऊपर बारिश है ना, इसको उठा लो, अभी धूप लग जाएगी ना, फिर उठा लेंगे। बारिश आ गई ना, उसकी वजह से देखे ना सब चीज़ें गीली हो गया है, घास को जो है हमने ढांप की तरह रखा हुआ था, हमने कहा ये जो है गीला ना हो जाए, बकरी को भी डालते हैं, गाय को, बछड़े को इधर से डाल देते हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही मौसम अच्छा हो गया, बारिश आ गई है ना, ठंड तो वैसे इतनी नहीं है, क्योंकि आपको पता ना जब बारिश हो जाती है तो अल्लाह पाक की रहमत होती है, फसलें और भी अच्छी हो जाती है, और सब चीज़ें अभी देखना हरी भरी हो जाएंगी, दरख्त और पत्ते ये सब चीज़ें भी हरी हो जाएंगी। तो ये चलते हैं सुबह सुबह चाय बनाते हैं, नाश्ता भी अभी मैंने कहा बकरी को घास डाल दूँ। तो बस ये मोटर हमने खोल ली है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिस्त्री भाई भी आ गए हैं, तो दूसरी मोटर की फिटिंग कर रहे हैं, तो इधर जो है लगाते हैं, अच्छा ये ना हमने सारी वो जो पहले वाली नालियाँ वगैरह थी ना वो हमने सारी निकाल ली हैं, ठीक है, अब ये वाला पाइप लग गया नया, वो जो लंबा पाइप नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये अभी मुकम्मल हो जाएगा। अब्दुल हादी और अब्बू जो है ना इधर बैठे हैं देख रहे हैं, उसको दे दो सामने, उठा लो अब्दुल हादी को, हाँ क्या कर रही हो, कसी पे जा रहे हैं, अच्छा तो तभी मोड़ा खराब है ना, इसको बनवाएंगे, चलो वो ले जाओ सिस्टर को ले जाओ उधर का, थोड़ा बाहर का माहौल भी दिखा देना व्यास को, ठीक है, चले ठीक है, हम भी जा रहे हैं, कपड़े दिखा ले सकते, थोड़ा बाहर का माहौल दिखा देना। तो माशाल्लाह से सुहाना और मैं अभी कसी पे आ गए हैं कपड़े धोने, तो हमने सोचा हमारी मोटर अभी बन रही है तो इधर ही आके धो लें, और आपको पता है ना अभी रात को बारिश आई थी और हमारा गांव का माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत बन गया है, हमने सोचा व्यक्त को भी विज़िट करवा लेंगे और ख़ुद भी जाए, बहुत ही अच्छा लगता है जब कसी पे आके ना कपड़े धोने, जी भाभी हाँ, वैसे भी कल से हमारी मोटर ख़राब है तो कपड़े सब के ही इकट्ठे हुए थे, तो हमने कहा चलें हम कसी पे जाके धो लेते हैं,
तो मौसम आज बहुत ही अच्छा है, तो उधर मियाँ आज काम पीने गई, उधर मोटर बनवा रही है, तो अल्लाह पाक खैर करे हमारी मोटर जो है बन जाए इंशाल्लाह। अभी देखना नया नया पानी आ रहा है, बच्चे जो है इधर पीछे खेल रहे हैं, पानी को खराब कर दिया है, सुहाना जाके इनको कोली इधर से चले जाएं। अभी मैंने उन्हें कहा है कि आप पानी ना खराब करें, नहा रहे हैं ना तो पानी होता है ना, फिर खाले में मिट्टी होती है तो वो जाए उड़ जाती है मिट्टी, पानी जो है थोड़ा खराब हो जाता है, साफ नहीं आता ना। तो माशाल्लाह से अभी ये मौसम हमारे पास बाहर का लग गया है, और इसके बाद जो है गंदा भी कटके कटाई भी होगी, और व्यस्त को भी शेयर करेंगे, पता भी नहीं चलेगा ऐसे मौसम चला जाएगा, सर्दी अभी चली जाएगी, गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। जी भाभी अभी हमारी गंदम वो सीटियाँ निकाल रही है ना। हाँ माशाल्लाह, लेकिन अब हमारी गंदम सीटियाँ निकाल रही है, बहुत ही अच्छी होगी हमारी गंदम। हाँ इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। वैसे भी हमारा गांव बहुत ही प्यारा है। हाँ यही तो है, क्योंकि गांव के यही तो फायदे है कि कसी पे आके ना कपड़े धो ले, और है हर टाइम चलती रहती है बस। जी भाभी, शहर वाले तो बेचारे उनके पास पानी चला जाए तो वो तो बस वेट ही करते रहते हैं कि कब आएगा पानी और कब हम जो है अपना काम करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ गाँव में नलके वगैरह भी होते हैं जिनमें पानी आता है, और कसियां वगैरह भी चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब्दुल हाजी मेरा बेटा क्या कर रहा है? नमाज का तो कम का वक्त मुराद देर से आए। हाँ आप लोगों ने पढ़ ली है नमाज? हाँ अभी तो काफी टाइम हो गया है, दूसरी नमाज भी टाइम है सर का, बस टाइम भी रोजे का थोड़ा ही रह गया है, इसकी हालत भी तबीयत भी नासार हो गई है ना, महसूस हो रहा है। ठीक है, सुहाना की भी तबीयत नासार हो गई है, ठीक है ना। तो अभी सामान वगैरह लेके आ गया हूँ, सब्जी भी लेके आ गया हूँ, और समोसे पकौड़े लेके आया हूँ, इंशाल्लाह उससे जाना रोजा इख्तियार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मेरी सब बहनें और भाई कैरियर से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो आपको पता है कि आज माशाल्लाह से बड़ा दिन था, ठीक है, शब मिराज, ठीक है, शब मिराज का दिन था। तो रात को हम सब ने माशाल्लाह फैमिली ने रोज़ा रखा है, एक रोज़ा होता है शब मिराज का, जो कि आप रखें तो उसका सवाब और अजर मिलता है। ये अल्लाह पाक ने बीच में काफ़ी अच्छे पैकेज बनाए हुए हैं, जो कि इंसान को चाहिए कि वो अगर फ्री हो ना, बेशक काम में भी हो, काम भी हो सकता है और बंदा साथ में रोज़ा भी रख सकता है। एक तो आज शब मिराज का रोज़ा था, और दूसरा आज 8 फरवरी का वोट भी था माशाल्लाह। हाँ। तो वोट का भी हक अदा कर दिया, अभी निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो बाकी वोट तो हक सच का होता है, बताना नहीं चाहिए कि किसको दिया है, ठीक है, बस जिसको दिया है ना अल्लाह करे कि उसके तक पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, बस ये दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो माशाल्लाह से अभी रोजे की जो है सामान ले गए, तो उसकी तैयारी करते हैं और सब्जी रेडी करते हैं, क्योंकि रोजा तैयार भी करना है, और बहुत ही ज्यादा जो खुशी हो रही है क्योंकि रोजे का दिन था और बड़ा दिन था। अच्छा अभी तो माशाल्लाह आपको पता है आगे माह रमजान भी करीब ही आ गया, कितने दिन रहते हैं? अम्मी से पूछते हैं, अम्मी तो महीना बेटे के काम देखे, एक उधर जा रहा है, अभी देखिए इसका। ओए अब्दुल हादी इधर आ जाओ, मेरा बेटा इधर आ गया ना, मैंने कहा इधर दूंगा। अच्छा हमारे पास ना भाग रहा है, कल वाले दिन बारिश आई थी, ठीक है, तो आज जो है ना बारिश नहीं आई, धूप निकल आई है माशाल्लाह, कल बारिश थी ना, थोड़ा सा मैंने कहा, हाँ थोड़ा सा धूप बनाया था उस टाइम, मैंने कहा शायद बारिश आ जाएगी, लेकिन अभी बस क्या करूँ यार, बैठ जाता हूँ। आप हाँ सोचते होंगे अदनान भाई बैठ गए यार क्या करे, अभी टाइम जो है पूरा टाइम हो गया तकरीबन माशाल्लाह अभी 4:30-5 बजने वाले हैं, ठीक है, तो बस तैयारी वगैरह करते हैं, पानी चानी मीठा बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं,
क्योंकि जैसे माह रमजान में हम खुश होते हैं ना, तैयारियां करते हैं रोजा इफ्तार करने के लिए, तो उसी तरीके से तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं और रोजे की तैयारी करते हैं। बस इसको कह रहा हूँ कि अभी जल्दी जल्दी किचन में जो है ना सामान जो है रेडी कर, पानी शानी बनाते हैं, तो देखिए ये निकाल लें बाहर से निकाल लो। अच्छा ये ना ये कोई नए किस्म के पापड़ आए हुए थे जो कि मैं मुझे अच्छे लगे हैं। चले ये ना भी हो इफ्तार के टाइम। उधर भाई ने कहा है कि ये फ्रेश आए हैं तो चेक करना आप कैसे हैं। मैंने कहा चलो, उसने कहा भाई खा लो, मैंने कहा रोजा है यार, रोजे के बाद मैंने कहा टेस्ट करूंगा, तो मैंने कहा एक पैकेट क्या ले जाऊं, तो इसलिए दो तीन ही ले आया। ठीक है, क्योंकि आपको पता ना सर पाँच है, पाँच ले आते हैं हम, और गर्मियां जब आ जाती है तो ये चिप्स पापा ले आते हैं। हाँ चले, तो एक अब्दुल हादी ने ले लिया, कहता है एक मेरा है आप और क्या। चल रेडी करें सामान। ठीक है, माशाल्लाह से सुहान और मैं किचन में आ गए हैं, अभी रोजे की तैयारी कर रहे हैं और रात के खाने और साल में हम बना रहे हैं आलू। मैंने कहा इधर मिसाला रेडी कर लूँ, आलू मैंने पहले काट के इधर रख दिए। आज जैम अकेले आलू बना रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे, अकेले ही बन रहे हैं आज आलू। वैसे तो हर चीज में ही आलू डालते हैं, सब्जी मिक्स सब्जी बनती है ना, कभी आलू गोश्त, कभी मटर, प्याज, ये चीजें ना डाल देते थे, गाजरें ये चीजें, लेकिन आज अकेले आलू बना रहे हैं। अब इसका मसाला रेडी कर ले। सुहाना का जो अभी देखे ना मुंह थोड़ा खराब हो गया, नहीं नहीं भाभी सर्दियों का रोजा क्या कहता है, गर्मियों में तो चलो पता लगता है कि रोजा है बंदे को, मुझे तो आज सारा दिन पता भी नहीं चला क्या रोजा है मुझे। हाँ लेकिन कुछ नहीं होता ना, कुछ भी नहीं लगा ना भूख लगी ना प्यास, ये तो कुछ भी नहीं लगा, आपकी बात है ना, रोजा रखना चाहिए। अभी तो माशाल्लाह से काफी टाइम गुजर चुका है, बस थोड़ा रह गया है। ओहो अब्दुल्ला दी, ये लो डब्बा, साथ में किस जा रहे हो डब्बे के, ये ले। चलो ये लो सुहाना, चटनी निकाल दे सुहाना को मुगरी में। बिस्मिल्लाह चटनी दे दो, चटनी मुंगरी दो इधर। पानी की प्यास तो नहीं आज ना, इसलिए प्यास नहीं लगती, भूख लगी है, प्यास नहीं लगी हुई खासी। सुहाना ये लो पकोड़ा, पकोड़ा मैं ये खा नहीं रही हूँ। आपको तो वैसे बहुत ज्यादा भूख है, रोजे से इंसान को अल्लाह पाक सब्र अता करता है, कुछ भी नहीं होता। रोटी दो, रोटी दे दो, ये
खाओ। हाँ मैं खा लूंगी ना। खाओगा? पता है मुझे भूख लगी। भूख नहीं है मुझे, इतनी ज्यादा भी नहीं है।